हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइज, आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं और मोनी, हमारी कंगारू कौन देखेगा, और हमारी अनन्या कंगारू, ये ही हमारी। और गाइज, सबसे बड़ी बात ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अक्सर लड़कियां गोरी क्यों होते हैं, लड़के काले क्यों होते हैं। ये कह रही है कुछ गोली हो अभी नहीं तो अक्सर होता क्या है ना कि जब लड़कियां इस तरीके से पैक करके जाती है ना अपने आप को, अरे वो धूप की वजह से। हाँ तो ठीक है, इसलिए हम काले हैं और ये लड़कियां अक्सर गोरी रहती हैं। मैं कौन सा गोरी हूँ, और साथ ही साथ में लड़कियां मेकअप ज्यादा करती है, तो फिलहाल तो भाई मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करता हूँ। और आज हम जा रहे हैं मार्केट, बिकॉज बहुत सारे काम है। और मेरी मैडम को ना, इनको क्या करवाना भाई तुम्हें? मुझे कुछ नहीं कराना, मुझे सैलून में थोड़ा बहुत कपड़ा वहाँ हटाओ, इसको मुझे थोड़ा बहुत बस ये बाल वगैरह सही कराने हैं, और शादी में जाना है तो फिर इतना तो बनता है ना भाई। आज ना ये मेरे पे बड़ा बिल फाड़ेगी और बहुत बड़ा चपत लगाएगी। अच्छा जी। क्योंकि पार्लर जाना मैडम को, और बाल हेयर स्ट्रेट करवाने, स्ट्रेट बोलते हैं, और बहुत सारी डी और ट्रीटमेंट भी करवानी है। तो अभी हम निकल रहे हैं मार्केट और फिर आपको ब्लॉग में मिलते हैं। को एक चीज दिखाता हूँ, अनन्या देखो अपनी मम्मी को ना बड़े ध्यान से देखती है, बड़े ध्यान से है। इधर दिखा दो, सबको दिखा दो। नानू कैसे दिखते हो बेटू? अरे बाप रे बाप। तो चलो गाइस, अब निकलते हैं मार्केट के लिए। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मोनी के घर पे, यानी कि मेरी ससुराली, मेरे ससुराल। और अभी ना हम अनन्या को छोड़ेंगे यहाँ पर, पसीना, हाँ गर्मी बहुत ज्यादा ना, तो अभी हम एनी हमारी इसको छोड़ेंगे यहाँ पे अपनी नानी के पास, और अभी हम जाएंगे मार्केट क्योंकि मोनी को काम करवाना, जैसे मैंने बोला था, हेयर का, और साथ ही साथ में बहुत सारे कपड़े भी लेने हैं और कुछ जरूरी सामान लेना है ना। तो अभी भाई, क्योंकि बच्चे के साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अभी निकलते हैं मार्केट के लिए। ये देखो कैसे देख रही है, ओहो कहाँ पे नानी का घर है बेटू, नानी खड़ा रहे। अच्छा लो देखो, तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पार्लर में, और पार्लर नहीं सलून है, सलून बोलते हैं इसको, मतलब जिसमें दोनों का होता है। अच्छा, मतलब मैं भी करवा सकता हूँ, मेरी शकल ही खराब है यार, देखो शकल है नहीं यार भाई, कोई फायदा नहीं, फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि बाइक भाई, बाइक से ट्रैवल करना होता है और ड्राइविंग करनी होती है तो काले पड़ जाते हैं, शक्ल देखो, धूप तो लगती है ना, धूप तो हमें भी लगेगी ना। तो अभी सीन कुछ ऐसा गाइस कि मोनी कराएगी ट्रीटमेंट अपनी हेयर का, और इसको लग जाएंगे 3 से 4 घंटा, है लग जाएंगे इतने, और मैं निपटाता हूँ फटाफट मार्केट के कुछ काम, जैसे कि बैंक में जाना है और बाकी छोटे मोटे काम मैं निपटाता हूँ, और बाकी फिर मोनी के साथ चलेंगे मार्केट में। तो गाइज अभी ना पूरे के पूरे भाई 2 घंटे हो चुके हैं, और अभी ट्रीटमेंट अभी ना ये सरवा रही है, शकल अच्छी लग रही। अरे मैम है यहाँ पर, हम आते रहते हैं, और ये छोटू भाई है, हेलो, ये बोलता भाई यूट्यूब चैनल कैसे बनाए मेरा, बहुत इंटरेस्ट है यूट्यूब के बारे में, तो बनाओ ना, यूट्यूब पर ना सारी वीडियो मिल जाती है, यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, क्यों जब आप काम करोगे तो लाइक करेंगे, है ना। तो चलो मोनी, मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है, चलो ठीक है। फाइनली गाइस 4 घंटे लग चुके हैं, 4 घंटे हो गए ना, और मोनी का ट्रीटमेंट फाइनली हो चुका है, बट अभी क्या होना है इसका, हेयर का हेड वॉश होना है 2 दिन बाद। और मैम है जो कि बहुत अच्छा काम करती है, और आप एक बार जरूर आना, आप एड्रेस बता दो ऋषिकेश में, ऋषिकेश जावेद हबीब सैलून, रेलवे रोड, नियर कोठारी मंडी। हाँ बिल्कुल, अगर आप आए तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। मतलब रिस्क नहीं लेती हूँ, बालों का मामला होता है ना, तो बहुत लोग गड़बड़ भी कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कि इतना सेटिस्फाइड रहोगे कि बाल में कोई साइड इफेक्ट, क्योंकि इन्होंने भाई सर्टिफिकेट लिया हुआ है और काफी टाइम इनको एक्सपीरियंस भी काफी है। हाँ। और ये इनका बेटा है, क्या हाल चाल है, इनको ब्लॉग बनाना बड़ा पसंद है भाई, है ना, है आप बताओ कुछ। तो चलो चलते हैं मोनिया, मार्केट में चलते हैं, सामान लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, चलो कुछ बोलोगे तुम, बोलो तभी तो कॉन्फिडेंस आता है, तो सीखोगे, बोलो ब्लॉग। अच्छा आपको ब्लॉग 999 चैनल का नाम है ना, कितने 9 है, 4 9 है, ठीक है। तो गाइज अगर आप ना, हाँ ठीक है बोल दिया आपने, तो चलो अभी चलते हैं मार्केट और कुछ सामान और खरीदते हैं। अभी हम आए एक शॉप पे, और यहाँ पर भैया जी हैं, और हमें करवानी है भाई लेमिनेशन, और यहाँ पर ये सारी प्रिंटिंग मशीन है, कटिंग मशीन सॉरी है, और ये कंप्यूटर है, यहाँ से ना कमांड दी जाती है। हाँ, और ये देखो भाई काम क्या बढ़िया से हो रहा है, सफाई देख रहे हो। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं घाट रोड ऋषिकेश में, और अभी हमने बाइक अपनी पार्क कर ली साइड में, और मेरी जो मुन्नू है, मेरी बीवी, वो सामने भैया
इनको 100 के खाने का चाउमीन चाउमीन इनको मैदा खाने का बड़ा शौक है। और भैया भाई देखो गर्मा गर्म बन गई चाउमीन मोमोज और स्प्रिंग रोल। हाँ तो क्या हो गया, वो तो पानी होता है। अरे वो पानी होता भाई। और ये हमारे भैया बहुत पुराने कस्टमर हैं उनके। तो गाइज अभी सुबह सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी हम आए हैं अग्रवाल भैया के शॉप पे। बिकॉज कल हम रुक गए थे हम अपने ससुराल और अपने सासू माँ के पास। और भैया हैं भैया, हम भैया के बहुत पुराने कस्टमर हैं और आते रहते शॉप पे। और हेलो भैया, कैसे हैं आप? तो गाइज कभी आप ऋषिकेश आते तो अग्रवाल भैया की शॉप पे जरूर आना। यहाँ पर ना हाँ और सबसे कमाल की बात भाई ये कि सारी वैरायटी मिल जाती है ना भैया। और हम ना बहुत पहले से हाँ काफी टाइम से मार रहे हैं। तो देखो ये गली पड़ती सामने से, तो अभी हम सामान लेते मोनिका, क्योंकि भैया लड़कियों को ना बहुत शौक होते हैं। हमारे तो भैया खर्चे ही नहीं है। क्यों भैया?